पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। क्या हुआ, स्टैचू क्यों हो गई? नीरजा जी, मुझे लगता है मुझसे थोड़ी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ तुमसे? यार तुम तो परफेक्शन की देवी हो। बोलो क्या हुआ? मनावला प्रोजेक्ट याद है आपको? वही जहां हीरोइन मेरे हीरो के साथ फंस गई थी। मजाक कर रही हूं, याद है मुझे। बोलो क्या हुआ? तो सोनावला प्रोजेक्ट में मिस्टर रघुवंशी बच्चों के लिए एक रिक्रिएशनल एरिया बनाना चाहते हैं। उनका डिजाइन किड्स फ्रेंडली तो है लेकिन पेरेंट्स फ्रेंडली नहीं है। आप समझ रही है ना, मतलब माँ बाप की चिंता नहीं समझते हैं। समझती हूँ, बैचलर जो है बेचारा। हाँ तो मैंने उन्हें बोल दिया कि बच्चे का दोस्त होना और बच्चे का फादर होना दो अलग अलग बातें हैं। और भी कुछ कुछ बोल दिया जिसका मतलब यही था कि अगर वो फादरहुड को समझते तो वो ऐसा प्लान नहीं बनाते। फिर मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। उनका अपना रिश्ता अपने फादर के साथ बहुत अच्छा नहीं था और ये सब बोल के मुझे लगता है मैंने उनके ट्रॉमा को और बढ़ा दिया। कहीं वो ये ना सोचने लगे कि वो कभी अच्छे फादर नहीं बन पाएंगे। Ouch. That must have hurt. Just asking, वो अच्छा बाप बने या ना बने उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? नीरजा जी, कभी ना कभी किसी ना किसी लड़की से तो वो शादी करेंगे, बाप तो बनेंगे। उनके दिमाग में ऐसा नेगेटिव इमोशन नहीं डालना चाहिए था मुझे। मैंने देखा है उन्हें स्ट्रगल करते हुए। स्ट्रगल तो कर रहा है बेचारा। अरे यार, अपने फादर के साथ इश्यूज को लेके स्ट्रगल करते हुए। आपका तो वन ट्रैक माइंड है, आपसे तो बात ही करना बेकार है। मुझे नहीं बात करनी आपसे। कल रात मैंने पेरेंटिंग और फादरहुड पे बहुत कुछ पढ़ा पर सब एक ही बात कहते हैं कि आपका आपके फादर से रिलेशनशिप की रिफ्लेक्शन होती है आपकी और आपके बेटे की रिलेशनशिप। तू तो मेरा और मिस्टर विराज रघुवंशी का रिश्ता तो जानता ही है। मैं नहीं चाहता वो नेगेटिव रिलेशनशिप का शैडो मेरे नए रिश्तों पर पड़े क्योंकि रह रहे कि वो सामने आती रहेगी और मेरे नए सफर को भी पेनफुल बना देगी। यार लेकिन इतने सालों का पेन इतनी आसानी से कैसे चला जाएगा भाई? पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।